हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो में हम टेली प्राइम में सभी ग्रुप को डिटेल में समझने वाले हैं, जो कि लेजर क्रिएशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह वीडियो देखने के बाद आप कोई भी लेजर में ग्रुप आसानी से सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप खातों का संग्रह होता है, जिसके अंतर्गत हम अपनी सुविधा के अनुसार एक ही प्रकार के खातों यानी लेजर को एक ग्रुप में रख सकते हैं। टेली प्राइम में 28 ग्रुप बने होते हैं, जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप और 13 सब प्राइमरी ग्रुप होते हैं। जिसमें पहला ग्रुप है बैंक अकाउंट। जो भी हमारे करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट का लेजर हो, तो उसे हम बैंक अकाउंट ग्रुप में रखेंगे, जैसे कि SBI बैंक अकाउंट, HDFC बैंक अकाउंट वगैरह। आगे का ग्रुप है बैंक OCC और बैंक OD अकाउंट ग्रुप। जब भी हम किसी बैंक से लोन लेंगे, तो बैंक लोन का जो लेजर होगा उसको हमको बैंक OD या बैंक OCC में से किसी भी एक ग्रुप में रखना है। आगे का ग्रुप है ब्रांच डिवीजन। जब भी कोई कंपनी जिसकी कोई ब्रांच है वो अलग दूसरे स्टेट में या फिर डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो ब्रांच डिवीजन की मदद से बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है। इसी तरह के अकाउंट को हम ब्रांच डिवीजन के ग्रुप में रखेंगे, जैसे कि गुजरात और MP की ब्रांच अलग अलग हो। अब आता है कैपिटल अकाउंट। जो भी कोई बिजनेसमैन होता है और वो अपने बिजनेस में पैसे जब इन्वेस्ट करता है, तो उसको लिए हमको एक ग्रुप यूज करना होता है, वो कैपिटल अकाउंट ग्रुप होता है। जैसे कि कैपिटल, ड्रॉइंग, LIC, इनकम टैक्स को हम कैपिटल अकाउंट ग्रुप में रखेंगे। अब आता है कैश इन हैंड। कैश अकाउंट इस ग्रुप के अंतर्गत टैली में पहले से ही बना रहता है, इसलिए कैश अकाउंट फिर से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि किसी व्यापार में एक से ज़्यादा रोकड़ खाते मेंटेन किए जा रहे हैं, तो बनाए जा सकते हैं। अब आता है करंट असेस्ट। इस ग्रुप का मतलब है चालू संपत्तियाँ, जिन्हें हम एक साल से कम की अवधि में नगद में बदल सकते हैं, जो साल भर बढ़ती और घटती रहती है। अब आता है करंट लाइबिलिटीज ग्रुप। इस ग्रुप का मतलब है कि ऐसे दायित्व जिनका भुगतान यानी पेमेंट हमें एक साल से कम की अवधि में करना होता है, या जो साल भर बढ़ते या घटते रहते हैं। अब आता है डिपॉजिट ग्रुप। जब हम ऐसा कोई इन्वेस्ट करते हैं जिसमें हमें टाइम पीरियड और प्रॉफिट डिसाइड है, और हमको पहले से पता है कि मैं कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे इतने टाइम के बाद इतना पैसा मिल जाएगा, तो उसको हम डिपॉजिट के ग्रुप में रखेंगे। जैसे कि FD हो, RD हो, KVP हो, या फिर गवर्नमेंट की जितनी भी योजना होती है या बॉन्ड होते हैं, उनको हम डिपॉजिट के ग्रुप में रख सकते हैं। अब आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप। वो सभी खर्चे जो कंपनी से रिलेटेड होते हैं, कंपनी में जो भी खर्चे आते हैं, उन सभी लेजर को डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में रखेंगे, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, पावर बिल, फैक्ट्री इंश्योरेंस वगैरह। अब आता है डायरेक्ट इनकम ग्रुप। इन शॉर्ट में आपको इतना बता देता हूँ कि हर वो इनकम जो मुख्य बिजनेस एक्टिविटी से होती है, उसे डायरेक्ट इनकम कहते हैं। आगे का ग्रुप है ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप। इनकम टैक्स को छोड़कर जितने भी तरह के टैक्स हम यूज करते हैं, उस सभी टैक्स के लेजर को हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप में रखेंगे, जैसे कि GST, सेल टैक्स वगैरह। अब आता है फिक्स असेस्ट ग्रुप। ऐसी संपत्ति जो हम सेल करने के लिए नहीं खरीदते, जो लाइफ लॉन्ग हमारे रहती है, जिसका हम उपयोग करते हैं, उस लेजर को हम फिक्स असेस्ट के ग्रुप में रखेंगे। अब आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे सभी खर्चे जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में रखेंगे, जैसे कि रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड वगैरह। अब आता है इन्वेस्टमेंट ग्रुप। ऐसा इन्वेस्ट किया है जिसमें हमें पता नहीं होता कि प्रॉफिट होगा या नहीं, या फिर होगा तो कितने समय के बाद होगा, यह भी फिक्स नहीं कि प्रॉफिट होगा या लॉस भी हो सकता है। ऐसे लेजर को हम इन्वेस्टमेंट ग्रुप में रखेंगे, जैसे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट। अब आता है लोन एंड एडवांस ग्रुप। जब हमें किसी को लोन देना हो या फिर एडवांस पेमेंट करना हो, तो उसको हम लोन एंड एडवांस ग्रुप में रखेंगे, जैसे कि कंपनी ने कर्मचारी को एडवांस में सैलरी दी हो वगैरह। अब आता है MISC एक्सपेंसेस ग्रुप। इसका हिंदी में मतलब होता है विविध खर्चे। बिजनेस में कई खर्चे ऐसे होते हैं जो वास्तव में हो तो चुके होते हैं, लेकिन हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट होगा या नहीं यह भी पता नहीं होता। ऐसे खर्चे होते हैं जिनका हमें भुगतान करना भी पड़ता है और नहीं भी। अब आता है प्रोविजन ग्रुप। बिजनेस में फ्यूचर कॉस्ट से बचने के लिए हमें कुछ फंड बनाने पड़ते हैं, उन्हें हम प्रोविजन कहते हैं। अब आता है परचेस अकाउंट ग्रुप। हम जो भी माल को परचेस और परचेस रिटर्न करेंगे, उन सभी लेजर को हम परचेस अकाउंट ग्रुप में रखेंगे।
अब आता है रिजर्व और सरप्लस ग्रुप। रिजर्व का मतलब है वो रकम जो कंपनी ने खास वजह से ले रखी है और इसका उपयोग भविष्य में होना है। सरप्लस वो होता है जहाँ पर कंपनी के मुनाफे को दिखाया जाता है। अब आता है रिटेन्ड अर्निंग। व्यवसाय में भविष्य में होने वाले खर्चे और नुकसान को पूरा करने के लिए प्रॉफिट से कुछ हिस्सा रोक कर रखा जाता है, वो रिटेन्ड अर्निंग होती है। अब आता है सेल अकाउंट ग्रुप। हम जो भी माल को सेल और सेल रिटर्न करेंगे तो उन सभी को हम सेल अकाउंट ग्रुप में रखेंगे। अब आता है सिक्योर्ड लोन्स। जब हम बैंक के सिवा किसी और से लोन लिया है तो उन्हें हम सिक्योर्ड लोन के ग्रुप में रखेंगे। जैसे कि बिल्डिंग गिरवी रख कर लोन ली हो, गोल्ड लोन लिया हो, बजाज फाइनेंस से लोन लिया हो, इस तरह के लोन जो हम सिक्योरिटी रख कर लोन ली है, ऐसे सभी लोन्स को हम सिक्योर लोन के ग्रुप में रखेंगे। अब आता है स्टॉक इन हैंड ग्रुप। जब हम स्टॉक की गणना टैली से नहीं करवाते, खुद गणना करके स्टॉक डाल देते हैं, तो ऐसा स्टॉक इस ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। अब आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप। बिजनेस में हम जिन पार्टी से या फिर जिन लोगों से माल को खरीदते हैं और जिनको हम पैसे देते हैं, उन सभी पार्टीज के लेजर को हम इस ग्रुप में रखेंगे। अब आता है सन्ड्री डेबिटर्स ग्रुप। ऐसे सभी पार्टी जिनको हम उधार पे माल सेल करते हैं और जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, उन सभी लेजर को हम इस ग्रुप में रखेंगे। अब आता है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस का मतलब है संदेह। ऐसी लेन देन कहा जाता है कि जिनके बारे में हमें जानकारी ना हो कि यह किसी से मिला है या किसने दिया है। व्यवसाय में बैंक खाते में कई बार ऐसी एंट्रीज आ जाती है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि ये अमाउंट किसने डेबिट किया या क्रेडिट किया है, तो ये सभी अकाउंट सस्पेंस अकाउंट में आएंगे। अब आता है अनसिक्योर्ड लोन्स। जब हम अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से कोई लोन लेते हैं तो उन्हें हम अनसिक्योर्ड लोन्स के ग्रुप में रखेंगे। तो हमने टेलीग्राम के सभी ग्रुप को आसानी से समझ लिए हैं। तो अब मिलते हैं टेलीप्राइम के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।